दिल्ली से कटरा के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के चलने से वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा। ट्रेन की बुकिंग सर्विस भी शुरू हो चुकी है। ये ट्रेन आम लोगों के लिए 5 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। आज ट्रेन में सिर्फ अधिकारी और ट्रेन स्टाफ कटरा तक जाएंगे। भारतीय रेल इंजीनियरिंग का ये नायाब तोहफा कहा जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से स्वदेशी है ये ट्रेन। 18 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये वंदे भारत बनाई गई है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे इस मौके पर। नवरात्र में माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये तोहफा है। हफ्ते में मंगलवार को छोड़कर सभी दिन वंदे भारत जो है वो चलेगी। दिल्ली से कटरा सिर्फ 8 घंटे में पहुंच जाएगी वंदे भारत। श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में काम कर रहे हैं पूरे रेल विभाग के सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर को आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है।